फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र देवभूमि, जो बोला जाता है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। अभी हम जा रहे हैं साथ में सुखी भाजी के साथ। बाकी अपने को सारी गार्ड लेन देंगे सुखी भाजी, क्योंकि ये रह चुके हैं 3 साल। बाकी देखते हैं क्या बनता है अपना वहाँ पर। चलो करते हैं अपनी राइड स्टार्ट कुरुक्षेत्र की ओर। दिखाते हैं आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा, ये पड़ता है हरियाणा क्षेत्र में। बहुत ही अच्छी जगह है कुरुक्षेत्र वैसे। चलो करते हैं अपनी राइड स्टार्ट, मिलते हैं आपको कुरुक्षेत्र। बड़ा गंदा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे। जीरकपुर में तो बहुत ट्रैफिक है, ऊपर से धूप इतनी है, वो माड़ा हाल हो रखा। तो ये है फूड कोर्ट, इस भाई ने फूड कोर्ट नहीं देखा। आखिरकार पकड़ लिया हमने। बच गया भाई, कब होंगे हम ट्रैफिक से फ्री। अपने BMW भी बोल रही है भैया कहाँ ले आया मेरे को आज। हाँ, फंसा दिया मालिक मेरे को आज। क्या कर रहे हो रोड पे? बोल रही है मालिक ऐसे चलना है मेरे को, ऐसे चलाओ क्या। फाइनली हम आ गए हैं हाईवे पे। अभी आएगा मज़ा राइड करने का। आज फिर से बोल्ट वर्सेस BMW G310R। हाँ, यहाँ सुकून मिला है, थोड़ा ठंडी हवा, धूप भी नहीं लग रही। क्लीन करते हैं अभी। अच्छा, बुलेट को शानदार चलते यार, बुलेट भी नो डाउट। भागती है कई कई गई है। एक हाथ से भी चलाने लग गया मैं तो। ठीक है, सफर अच्छा है बट ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। यहाँ तक क्या आगे नहीं ट्रैफिक? हाँ, बस यहाँ तक की मार थी यार, कहाँ ट्रैफिक। बाला बॉर्डर, ये वही जगह है जहाँ पे अभी किसान आंदोलन पे सीज कर रखा था। सब कुछ देख सकते हो आप, कितनी बैरिकेडिंग लगा रखी थी, कितने बड़े पत्थर रखे हुए थे। और इधर से भी ये सारा जाम था, इधर से सारा दिल्ली जाने का रास्ता बंद कर रखा था सभी ने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंबाला। ये है अंबाले की एंट्री, देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार एंट्री बना रखी है अंबाले की। भाई
वो मिल गया। अभी आ गए हम कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत दिल्ली, इसको जाना पानीपत। अभी हमें जाना है राइट। ये लो कुरुक्षेत्र की एंट्री, कितना शानदार एंट्री बना हुआ है, एंट्री गेट बना हुआ बहुत ही शानदार। ओ जी पहुंच गए हम कुरुक्षेत्र। किस चीज़ की नहीं करी है अच्छा नौरतरा ओपन, नौरतरा स्टार्टिंग हो रहा है ना, ये निकले नवरात्रा के स्टार्टिंग की रैली, बहुत ही बड़ी रैली है। आए हैं कुरुक्षेत्र में हम, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड विज्ञान के अंदर विशेष आकर्षक महाभारत, जहाँ पे महाभारत के तथ्य पड़े हैं सारे। बाकी ये खड़ी अपनी बाइक, ये लगा हुआ इधर पार्क डायनासोर क्षेत्र, सबसे पहले जाएंगे हम घूमने। जी हम पहुँच गए हैं पैनोरमा कुरुक्षेत्र, बहुत ही भीड़ भड़ाका और था यहाँ पे। बाकी ये झांकियाँ बनी हुई है हड़प्पा तकनीकी टेक्नोलॉजी। तो पुराने जमाने के अंदर नहीं कर सकते। चप्पल यह लोहा निर्माण, आयरन मेकिंग, पुराने जमाने में ऐसे लोहा बनाते थे इस तकनीक से। ये दिखा रखे हैं महाभारत के तथ्य, यहाँ पे युद्ध हुआ था ये लिखा हुआ है। शानदार बना रखा। चलो घूमते हैं चारों ओर देखते हैं।
जी घूमा एक नॉर्मल चलेंगे हम ब्रह्म सरोवर की तरफ, बाकी यहाँ का भी दिखाते हैं हमको जमीन पार्क टाइम मारता है अलग अलग जगह पे। बहुत ही खूबसूरत बना रखा है यहाँ पे, लो जी पहुँच गए हम ब्रह्म सरोवर। ये है बाहर का मार्केट, अभी धीरे धीरे भीड़ होने लगी है, पहले तो रश नहीं था इतना। ये करी है एंट्री हमने, यहाँ से व्यू सही आएगा। ये अंकल देखिए एक हाथ का फिर भी तैर रहा अंदर। इतना शानदार व्यू है, बहुत ही बड़ा है ब्रह्म सरोवर तो, बहुत बड़ा है। उधर मंदिर है, उधर भी जा के आते हैं। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, स्नान तो मैं भी कर लेता बट कोई साथ में नहीं है ना, मैं भी डुबकी मार ही लेता। ये बना हुआ यहाँ पे मंदिर सर्वेश्वर महादेव श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी। बहुत ही बड़ा घाट है, पैदल चलते चलते घंटा लग गया अपने को तो। अभी लास्ट छोर पे आए हैं उसके, ये जहाँ तक कैमरा जाता है वहाँ तक लास्ट तक अंत तक बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। इसको घूमने के लिए चाहिए पूरा दिन। बाकी यहाँ पे मंदिर वगैरह बना हुआ है अच्छा अच्छा, बट रोड बड़ी अच्छी है एंड यहाँ की लोकेशन। बाइक चोरी होती है इसी करके मैं आ गया जल्दी जल्दी, एक गन्ने वाले भाई ने बताया मेरे को कि बाइक चोरी हो जाती है, चलो जल्दी जल्दी जाके हम लेते हैं अपनी बाइक फिर निकलते हैं शेख चिल्ली के मकबरे की तरफ। बाकी हम घूमाए ब्रह्म सरोवर, तीर्थ स्थल है एक, धार्मिक स्थल है एक, बहुत ही अच्छा। फाइनली हम पहुँच चुके हैं शेख चिल्ली के मकबरे, और ये है वो मकबरा। ओ जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम शेख चिल्ली के मकबरे, गलती से मैंने बोल लिया था शेख चिल्ली के गुरुद्वारे। ये पहुंच गए हम शेख चिल्ली के मकबरे, धूप चिलचिलाती धूप आ रही है।
तो गुफा ही बना रखी है ये ऊपर जाने का रास्ता। ऊपर जाएंगे बाद में, पहले थोड़ा घूम लेते हैं फिर जाएंगे छत पे। मकबरे में तो कबूतर बोल रहे हैं। चलो ऊपर ही चलते हैं, नीचे तो कैमरा अलाउड नहीं है। ये भाई शेक चिल्ली का मकबरा, यहाँ तो आवाज ही बैठ गई गले की। शायद मकबरा बंद कर रखा है। ओहो ये है मकबरा, लॉक कर रखा है। बाकी व्यू अच्छा है, फोटोग्राफी अच्छी होगी यहाँ पे। ये देखो क्या डिजाइन निकाल रखी, बहुत ही शानदार बना रखा है। देखो परफेक्ट डिजाइन, ये है शेख चिल्ली का मकबरा घूमने लायक। ये ऊपर ऊपर की जगह है, नीचे का थोड़ा सा व्यू है। बाकी जो अवशेष रखे हुए हैं पुरातन काल के, उनका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उचित नहीं है। बस घूमने वाली जगह ये छत है, छत पे ये गुमटियाँ बनी हुई है कुछ। व्यू अच्छा है नो डाउट, फोटो भी अच्छी आएंगी। यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड पीछे का बहुत ही अच्छा है। बाकी यहाँ पे मकबरा ना रखा शेख चिल्ली का, इसके अंदर है तो ये अभी लॉक कर रखा है। कबूतर घूम रहे हैं शेख चिल्ली के उसमें, शेख चिल्ली के मकबरे में घूम रहे हैं कबूतर। लो जी घूम आए हम ऊपर, अब जा रहे हैं नीचे गुफाओं में। हमें तो पता ही नहीं था भाई इधर गुफा में। चलो अब चलते हैं नीचे, लॉक कर रखा है। ओहो ये तो लोग ये है बैक साइड का व्यू, गार्डन बना हुआ बहुत अच्छा। यहाँ से दिखता हटो नो डाउट 20 रुपये में माड़ा नहीं है, ठीक है 20 रुपये टिकट है। यहाँ की 20 रुपये जितने में हम फोटो क्लिक कर लेंगे। बैकग्राउंड ये है पीछे का व्यू, वो वहाँ तक पीछे तक बना हुआ है कुछ। एक बार आपको और व्यू करवाते हैं, और व्यू ये रहा।
पीछे से है, पीछे से। अभी जाएंगे हम गुफा देखने, यहाँ पे गुफाएं भी बनी है दो तीन, बैक साइड में बनी हुई है गुफाएं, बड़ा सा गार्डन। हम जा रहे हैं वहाँ पे देखने। हाँ धूप बहुत है, पक लिया तो आधा के जी काला हो गया मैं, पहले से थोड़ा और खा था, अभी और ज़्यादा हो गया धूप धूप में। ये है गुफाएं, शेर सो रहा है इसमें तो नहीं, कुछ नहीं है बाकी, ये लॉक कर रखी हैं। चलो आगे, ये भी क्लोज, पता नहीं काम बीच में छोड़ दिया था सेक्स चिल्ली ने नहीं बंद है। हाँ हाँ आगे से एंट्री है, और ही एंट्री वो आगे से है। अभी हो गया घूमना खत्म, अभी जाएंगे हम वापस चंडीगढ़, या देखते हैं कोई रास्ते में मिलता तो कोई अच्छी जगह वो विजिट करेंगे। बाकी हो गया, थक गए बहुत ज़्यादा, अभी जाएंगे हम वापस अपने घर की तरफ। बाकी एक बार आपको और व्यू करवा देते हैं, यहाँ पे गार्डन बना हुआ है बहुत ही अच्छा, पीछे बैक साइड में शेख चिल्ली के मकबरे के बैक साइड, मकबरे में तो कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतरों की सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी दिखाते हैं आपको और व्यू, बाकी अपने सूखी भाजियों भी चलेंगे कर पानीपत से वो करेंगे, अपने को ज्वाइन करेंगे रास्ते में। बाकी एक बार और व्यू दिखा देते हैं आपको, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे बनी हुई है पुराने टाइम की गुफाएं जो अभी क्लोज कर रखी हैं, बंद कर रखी हैं। चलो अब वापस चलते हैं अपने घर की ओर। हाँ फोन हो चुका है डैड, और इस करके हम अभी आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर कभी आएंगे यहाँ पे, या यहाँ पे तो क्या आना दूसरी जगह नेक्स्ट टाइम। तो इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग का एंड, और लेते हैं आपसे अलविदा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।